Assalamu alaikum guys and welcome back to my channel. Guess what? I'm in Pakistan. It is like my third day here and abhi hum ja rahe hain shopping karne, so let's see what happens. The past 2-3 days I was busy with guests, you know, mehman se milte hain milne ke liye. So main wahan pe masroof thi, but from here on out main daily try karungi vlogging karna, so stay tuned. So abhi chalte hain shopping. तो हम पहुंच आए नसीब शॉपिंग मॉल, जहां से मैंने ये कपड़े पसंद किए. बहुत ज़्यादा लोन के सूट इधर पड़े होते हैं, अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं. ये फिक्स प्राइस शॉप है, तो यहां पे हम बार्गेनिंग वगैरह भी नहीं कर सकते. जो मज़ा आता है करने में, लेकिन यहां हम नहीं कर सकते. ये शॉप थी, यहां पे हर किस्म के सूट मिलते हैं, फैंसी भी मिल जाते हैं और वैसे भी मिल जाते हैं. फिर हम बाहर निकले गाड़ी की तरफ जाने के लिए एंड इट वॉज़ रियली रियली बिज़ी. ये देखिए गोले गंडे वाले, मैंने पता है मैं भी वीडियो में ये नोट कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने नोट ही नहीं किया बिकॉज़ इतनी रश थी. हम बस गाड़ी की तरफ जा रहे थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर. और ये शॉपिंग मॉल था जहाँ पे मैं आई थी, हमारी घर से अबाउट 15 मिनट दूर है. बाहर इतनी गर्मी थी कि फिर हमने आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम के साथ ज़रा ठंडक मिली और फिर हम चले गए घर की तरफ बिकॉज़ और नहीं घूमा जा रहा था. बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर भी देखें कितनी रश है बाज़ार में, कितने लोग हैं बाहर अपनी दुकानों के सामने बैठे हुए हैं. पाकिस्तान की बात यह है कि हमारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं. फिर घर आने के बाद हमने रोटी खाई. ये देखें ये चावल थे, बिरयानी थी, चिकन का सालन था. उसके बाद आई थिंक ये नेक्स्ट डे है, मैंने सोचा कपड़े भी आप लोगों को दिखा दूँ. ये अनस्टिच थे, लोन के हैं, फिर मैं स्टिच कराने के लिए मैंने दिए थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कितने प्यारे प्यारे सूट हैं. और कलर्स भी मैंने बहुत अलग अलग लिए हैं इस बार. यूजली मुझे ब्लैक बहुत पसंद होता है, तो हर सूट में ब्लैक में लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि गर्मियाँ हैं, समर है, तो समर के हिसाब से कोई ब्राइट कलर्स दूँ. तो फिर ये मैंने टोटल मैंने 5 सूट लिए थे और एक सूट मेरी चाची ने मुझे लेके दिया था जो मेरे साथ गई थी शॉपिंग के लिए. तो ये सारे सूट थे. ये ब्लू वाला मुझे इतना प्यारा लग रहा था और ये ऑरेंज वाला भी. आई थिंक ऑरेंज कलर मैंने कभी भी नहीं पहना. एक मेरा ऑरेंज सूट पड़ा हुआ है उधर मेरे घर पे यूएस में, लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं पहना. तो चलो ऑरेंज कलर मैं यहाँ पर पहन लूँगी. और फिर सूट दिखाते मुझे इतनी गर्मी आ गई, इतना पसीना आ गया, ये देखे मैं थक गई. फिर ये नेक्स्ट डे था, नहीं सेम डे था, यहाँ पर फिर हमारी दावत थी. यहाँ पे हम छत पे रोटी खा रहे थे बिकॉज अगेन बहुत गर्मी है, कितनी बार मैं कहूँगी. और ये द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, आपको 5 वक्त की अजान सुनाई देने को मिलती है, इतना सुकून मिलता है सुन के. फिर खाना खाने के बाद हम आ गए थे दूसरे घर और यहाँ पे मेरी कज़न ने मुझे मेहंदी लगा के दी, इतनी प्यारी मेहंदी. मेहंदी के लिए मैं तरस गई थी. और फिर ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप था. हम गए थे फर्नीचर शॉपिंग करने बिकॉज हमारे न्यू घर बन रहा है यहाँ पे और उसके लिए फर्नीचर चाहिए था. तो हम अलग अलग शॉप्स पर घूम रहे थे. इस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी. ये कितने दिनों की मेरे पास जमा होकर पड़े हुए क्लिप्स, मैंने सोचा अभी एक फुल व्लॉग बना दूँ, फिर उसके बाद मैं डेली कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की. फिर घूम घूम के इतना लाइक 3-4 शॉप्स पे हम गए, वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहा था जो इनके पास पड़ा हुआ था. फिर हमने अपना लाइक अपना डिज़ाइन उनको दिखाया और फिर वो हमें बना के देंगे एंड इट्स गोना टेक लाइक 15 डेज. तो ये वाला भी काम हो गया था. ये अच्छे डिज़ाइन थे इधर, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए था. मुझे आजकल जो नहीं चल रहे लाइक फैब्रिक वाले, मुझे वैसे चाहिए थे. फिर ये एक उसके अगले दिन की है जब हम मैंगो खा रहे थे. वन ऑफ द मेन रीजंस आई वांटेड टू कम टू पाकिस्तान इन गर्मी का मौसम इज़ बिकॉज मुझे मैंगो ट्राई करना था यहाँ का, बिकॉज बहुत मैंने अपनी अम्मी से सबसे सुना है कि यहाँ का मैंगो बहुत अच्छा होता है. तो मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े का था, बहुत लजीज था. एंड देन द सेम डे डिनर में हमने ये सब खाया, बर्गर वगैरह. ये बर्गर भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन नथिंग कैन बीट द अंडे वाला बर्गर, द क्लासिक पाकिस्तानी बर्गर. ये भी मुझे बहुत पसंद है. तो ये सब खा के फिर हमने एंड में लूडो की एक गेम लगाई जो मैं जीत गई और फिर ये था हमारा दिन. बाय.